रेट पर राजनीति की तर्ज पर यूपी में सियासत जोरों पर है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। जिस तरीके की सियासत यूपी में देखने को मिल रही है, तमाम देश की नजरें बस यूपी की सियासत पर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबियों के घर छापेमारी हुई, पर अब भी बाकी शहरों में अखिलेश के करीबियों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी दौरान अखिलेश यादव और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला फिलहाल बड़ा मुद्दा है। और जब इस बात पर अखिलेश को कांग्रेस की प्रियंका गांधी का भी अब साथ मिल रहा है। शनिवार को ही रायबरेली में अखिलेश यादव ने कहा था कि आईटी विभाग के बाद ईडी और सीबीआई भी आएगी, तो वहीं अब इस बात में लखनऊ में पोस्टर के जरिए ये बात कही जा रही है। छापेमारी को बीजेपी के बदले की कार्रवाई बताने वाली समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस के बाहर होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर पर लिखा है कि हमारे पास अखिलेश है, भाजपा के पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी है। अखिलेश की पार्टी नया इवेक्शन और नया इक्वेशन गढ़ रही है, इनकम टैक्स प्लस सीबीआई प्लस ईडी इक्वल टू बीजेपी। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है और यूपी चुनाव में हार के डर से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो वहीं अखिलेश के हमले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया और कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है ही नहीं है तो फिर हो हल्ला क्यों मचाना। आज चक्रव्यूह में शुरुआत करेंगे इन्हीं तमाम बयानों से, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा गया। जीके 24x7 नहीं दिखाते रहना, आपका बड़ा सरकार होने पर होगा। ठीक तो है, परफेक्ट। मैं फिर एक बार शुरू करता हूँ कि प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन आपको बुलाया, संडे के दिन। मैंने कई मौकों पर कहा जब आपसे बातचीत हुई कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थीं जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। प्रदेश वही, ये चेहरे वही। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा, कहा सब आपको मालूम है चोर की दाढ़ी है तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, आप मुझे बताइए, ये जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नवदेव आदि तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, क्या ये सपा बसपा या कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लोग कर पाते? के नेता हैं उनको तंग करने के लिए, उनको सताने के लिए करती है, अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। तो हम 7 सालों से देख रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, बहुत स्पष्ट है। चुनाव के समय विकास की बात होना चाहिए,
जो सरकार कर रही है जनता के लिए, जनता को वो मुद्दा उठाना चाहिए। सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहाँ भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करती है। आपको लगता है अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए डिटेल्स मुझे नहीं मालूम उनके केस के, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जो केंद्र की सरकार है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। तो चलिए आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर वार पलटवार का सिलसिला और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है, और आज इसी पे चक्रव्यूह में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा नेता आशीष पटेल और प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी नेता। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आ रहे न्यूज पर। तो मेरा सवाल आशीष पटेल जी से रहेगा कि ताबड़तोड़ रेड का सिलसिला चल पड़ा है यूपी में, सपा प्रमुख के करीबियों पर छापेमारी की जा रही है और अब फोन टैपिंग का भी आरोप सामने आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी नमस्कार, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को भी आपने बुलाया अपने डिबेट पे। जी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इनके छापे और बढ़ते जाएंगे। अभी तो ईडी आ रही, अभी आईडी भी बरामद होना चालू हो जाएगी। देखिए क्या क्या ये बरामद कराएंगे, जांच एजेंसी भी बहुत बढ़ाएंगे, क्या कौन कौन सी जांचें आगे बढ़ाएं, कौन कौन सी जांचें लाएं, कौन कौन से जितनी इनकी जांच एजेंसियां हैं वो सारी जांच एजेंसियां छोड़ देंगे। क्योंकि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का रथ चल चुका है उससे ये लोग बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। तो जब घबराए हुए जान है कि सत्ता हमारे हाथ से छूटती नजर आ रही, इसके विरोध में इससे घबराए हुए में ये जांच जैसे चुनाव नजदीक आता ये अपना चालू कर देते, ये दुरुपयोग कर रहे हैं अपने जांच एजेंसियों का। जी प्रदीप जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी घबरा गई है क्या वाकई में, और फोन टैपिंग का आरोप भी बीजेपी पर लग रहा है, अब इस पर क्या कहेंगे? प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको? चलिए प्रदीप जी से एक बार दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगी आशीष पटेल जी आप अपनी बात कहें कि सर जिस तरीके से अब पोस्टर लगाकर भी अखिलेश यादव ने जो भी कुछ बयान दिया उसको पोस्टर के जरिए भी छपवा दिया गया है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार ये शुरू से जब माननीय योगी जी की सरकार आई, चाहे इनके नेता रहो या कार्यकर्ता रहो, कभी डिबेट पे विकास की बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, दंगा की बात करेंगे, लेकिन कभी विकास की और रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसान के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। पर तो जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए हैं, बात सवाल मेरा ये था कि जो पोस्टर सब चिपकाए जा रहे हैं क्या मतलब बनता है इसका? जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दे दिया उसके बाद पोस्टर्स के जरिए क्या नई एक वॉर वहां पर देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए वो हमारे कार्यकर्ता जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शुभचिंतक हैं, जो कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं अपनी तरीके से वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार को और ये मीडिया के लोगों को कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लोगों के करीबियों पे छापे मारे जा रहे हैं वो पूरी तरीके से राजनीतिक हैं। अभी ये 5 साल कहां बैठे थे, अब इनको समझ में आ रहा है कि ये लोग घोटाला के इन लोगों पे आय से ज्यादा इनकम बढ़ गई। 5 साल पहले, अभी 4 साल पहले इनको नहीं समझ में आई थी बड़ी, जब चुनाव नजदीक आया तब समझ में आ रहा कि बड़ी हुई। जी चलिए जवाब ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप भटनागर जी आप सुन रहे थे आशीष पटेल जी, यहाँ पे सपा नेता हमारे साथ थे, और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि बीजेपी जो है घबरा गई है इसलिए अब रेड की राजनीति कर रही है और अब पोस्टर्स भी चिपका दिए गए हैं, आपने देखा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही पूछना चाहूंगा अगर बीजेपी घबरा गई है तो अखिलेश जी क्यों घबरा गए, ये बताने के लिए अगर छापे पड़े हैं जिनपे 200 गुना इतनी आई संपत्ति जो आई है, अगर उसको लेकर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने तथ्य और सबूत सारे मजबूत कर गए इन 5 वर्षों में और खजाने का काम चालू किया है तो क्या जवाबदेही नहीं बनती सरकार के जो नुमाइंदे रहे? और आज 200 गुना से ऊपर की आय अपने लेके बैठे हैं धनराशियां और जो भी है आय से ऊपर संपत्तियां, उनके बारे में क्या नहीं होना चाहिए? ये अगर अखिलेश जी सरकार चलाई है प्रदेश के अंदर और सरकार के मुख्यमंत्री ने तो उन्हें ऐसी टीका टिप्पणी से अशोभनीय लगता है, ये सब नहीं उन्हें बोलना चाहिए था। अगर इतने निडर और मजबूत थे तो क्यों घबरा रहे हैं, मंचों से स्पीच दे रहे हैं? मैं सुबह भी देखा था, हम सुबह भी एक प्रवक्ता बैठे थे मेरे साथ और वो भी प्रदीप जी राजीव राय जी के घर पे भी छापेमारी की गई 15 घंटे लगाकर 17,000 रुपए बरामद कर पाई ईडी। देखिए जी जी बिल्कुल, अगर देखिए अगर डिपार्टमेंट ने अगर
किन जगह छापे मारे हैं तो वो तथ्यों सोच समझ के मारे, और अगर चाहे राजीव राय हो या मनोज यादव जी हो जो अन्य हो, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विफल होता है तो वो उसके लिए बहुत शर्म की और बहुत ही ज्यादा दर्दनीय फुट होगी डिपार्टमेंट, तो ये भी डिपार्टमेंट के लोगों को उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स चला रहे हैं डिपार्टमेंट और जो बड़े अधिकारियों ने आज इतना बड़ा जो कदम उठाया है छापा मारने को सोच समझ के उठाया, और जब तथ्य होते हैं तभी ये काम किया जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा पोस्टर लग रहे हैं प्रदीप जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी जी जी, पोस्टर जो लग रहे हैं ये तो देखिए, ये तो प्रदेश के जो उनके समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, ये तो उनको देखना है चीज के बारे में। आप ये देखिए, अगर छापे मारती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो हजारों कार्यकर्ताओं क्यों भेजा जाता है वहाँ पे? क्या विश्वास नहीं है अपने कार्यकर्ताओं पे जिन पे छापे पड़े? ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, और ये बहुत जल्दी दाल क्लियर होगी, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे जिन पे छापे पड़े उनकी तरफ से हो। आशीष जी से जवाब लेते हैं, आशीष जी क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कार्यकर्ता वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत मजबूत स्तंभ और सच्चे सिपाही हैं, जितनी तेजी से वो छापे बढ़ाएंगे, माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजय रथ यात्रा उतनी ही तेजी से दौड़ेगा, हम लोग कोई घबराए हुए नहीं। आपने डाला, चेक किया, अभी आपको भी मैंने भी बता दिया 17,000 रुपए मात्र बरामद हुए। केवल आपकी सरकार पूरी तरीके से विफल है, विकास के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती है, चाहे वो बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं, वकील मारे जा रहे हैं, पुलिस के लोग सुरक्षित नहीं है, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करेंगे। केवल आय से ज्यादा इनकम अपने नेताओं के घर पे जाके कितने गुना बढ़ गए होंगे, मानिक केशव प्रसाद मौर्य जी के आप देख लीजिए कितना आय इनकम अभी चला था, दिल्ली में उन्होंने मकान खरीदा, क्या सही क्या गलत आप ही लोगों माध्यम मीडिया के माध्यम से हमने जानने को मिला, कहां से वो वीवीआईपी इलाके में मकान खरीद ले, किसके नाम पे वो मकान है, इस पे भी तो जांच होनी चाहिए। पर आशीष जी, जांच की जहां तक बात है, आशीष जी जांच की जो बात चल रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सपा के कार्यकर्ता और पार्टी के जो विधायक हैं कहते रहते हैं और जो भी नेता हैं कि भाई अगर हम गलत हैं तो हम पे कार्रवाई कीजिए, अब अगर कार्रवाई हो रही है तो सपा को इतनी तकलीफ क्यों? पल्लवी जी, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम का तो फिर ये जो पोस्टर लग रहे हैं इसका क्या मायने निकाले जाए? गायब कहाँ थे अभी तक, ये गायब कहाँ थे जब चुनाव नजदीक आया, हम 2 महीने का चुनाव बचा तब इनके छापेमारी पड़ रहे हैं, अभी 5 साल से सरकार थी तब क्यों नहीं छापे मारे? तो इससे तो डिपार्टमेंट छापे मारते हैं, आपके नॉलेज को बता दूंगा, डिपार्टमेंट होते हैं तो छापे मारते, चाहे ईडी के हो, अन्य हो, चाहे सीबीआई हो, छापे डिपार्टमेंट एक एक करके बात कीजिए। प्रदीप जी आपके पास भी आएंगे अभी, आशीष जी जवाब दीजिए। माननीय योगी जी की सरकार जा रही है, इससे ये लोग घबराए हुए हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के डराना चाहते हैं, लेकिन मैं इनसे बताना चाहता हूं समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके से इसे सियासी जुमला पहनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी डर गई है और चुनाव के दौरान ही छापेमारी की जा रही है, आशीष जी सुन लीजिए, इसे कोई डरने वाला है, कोई घबरा घबराहट तो इनके भाजपा वालों के अंदर है, क्योंकि माननीय योगी जी की सरकार अब आने वाली नहीं है। तो फिर सपा इतनी बौखलाई हुई क्यों है? ये बौखलाहट सपा के पास भी क्यों दिख रही है? कार्यकर्ता जो है पोस्टर लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चुनाव आए हैं इसलिए छापेमारी है, चुनाव तो चलते ही रहते हैं। बिल्कुल, चुनाव कौन से चलता, अभी जब 17 में सरकार थी 18 में नहीं छापे मारे, 19 में डलवाते थे, 20 में जब 22 का नजदीक चुनाव रहा तभी छापा डलवा रहे, इससे तो आप लोग भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, क्यों चुनाव नजदीक आ रहा, उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो रहा, इससे घबराए हुए किसी तरीके से। आशीष जी जो प्रचार होते हैं वो चुनाव के दौरान ही होते हैं या चुनाव से पहले हो जाते हैं? आशीष जी जो प्रचार वगैरह होते हैं चुनाव के दिनों में होते हैं, चुनाव से पहले हो जाते हैं? फोर्स के लोग आने कोई भी व्यापारी को आने नहीं जी। प्रदीप जी खुश नहीं है, प्रदीप जी जी आशीष जी लौटे गए, प्रदीप जी जवाब दे रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ाए, पेट्रोल के रेट बढ़ाए। आशीष जी शांत हो जाइए, आपके पास भी आएंगे, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं जी, प्रदीप जी की पूछो मत, इसी पल्लवी जी क्या हमारे डिफेंस का रुख अगर दूसरा उत्तर प्रदेश को है तो क्या मैं उससे बोलूं, उसे छोड़ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो छापेमारी कर रहा है, तो क्या जो इस विषय बोल रहे हैं उन पे क्या मैं डिबेट चेंज कर दूं अगर आप कहें तो? नहीं बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप मुद्दे पर ही रहें, और जिस तरीके से छापेमारी की बात यहां पर चल रही है और जो पोस्टर लगाए गए हैं
बहुत बड़ी कमी है इन समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और कांग्रेस के में कि अपने मुद्दों पे बात नहीं करते, भाग जाते हैं वहां से। मैं अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर बात कर रहा हूँ छापे की, तो उसमें मजबूती से सामना करना चाहिए, अपने कार्यकर्ता को समझाना चाहिए कि आप अगर छापे पड़ रहे हैं और अब तक अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करे तो शांति बनाए रखे, बदतमीजी ना करे, जो इतनी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं फोर्स उठानी पड़ी। पहली चीज, अगर आप इतने मजबूत है, आपने कुछ नहीं किया। देखिए अखिलेश जी की बात अगर आप जैसे कभी कर रहे थे, मैं अखिलेश जी के बारे में बता दूं कि मैं तो पहले यही पूछ रहा हूँ मेरे साथ बैठे हैं कि आप जो है जाए तो रहे हैं, आप बहुत मजबूती अगर सरकार बना रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, किन विषयों पे आओगे, आप पे मुद्दे क्या हैं? पहले मुद्दा बिजली हुआ करता था, वो समस्या खत्म कर दी, मुद्दा सड़क हुआ था, समस्या खत्म कर दी, आप लड़े किस चीज पे? आज उत्तर प्रदेश में बजट सारे बना दिए, एयरपोर्ट इतना विकास का काम करना, विषय तो आप बताए लड़े किस चीज पे? चुनाव आप क्या लड़ेंगे? माफियाओं पे आप ये लड़ेंगे? तुमने जो छुड़वा दी जो उनपे क्या 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो कब्जा रखी थी उत्तर प्रदेश सरकार की माफिया ने, उससे मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? अरे हम तो आपसे पेट्रोल के मुद्दे पे ही बात करना चाहते हैं, महंगाई के मुद्दे ही बात करते हैं। आप तो वो शख्स हो जब प्रधानमंत्री जब घर योजना चल रही थी उनमें इन्होंने योजना को जारी नहीं होने दिया, किसानों की जो ठेली योजना चल रही उसे जारी नहीं होने दिया। ये तो वो लोग बैठे रुकावट के लिए, एम्स की बात करते बनाया था, इन पे प्रेशर पड़ा था, इन्होंने 2016 में जमीन को एक्वायर करके बहुत मुश्किल से दी है। ये लोग तो वो हैं जो योजनाओं पे ताला और रोक लगाने वालों में से। चलिए प्रदीप जी, आशीष जी से जवाब लेते हैं, आशीष जी सुन रहे थे। वो है जो भैंसे चोरी हो जाए तो भैंसे को पुलिस को लगा देते हैं, भैंस को इकट्ठा करने, भैंस चोरी हो गई है ढूंढ कर लाइए, नेताओं कुत्ता चोरी हो गया ढूंढ कर लाइए, इन लोगों ने वो काम किए। चलिए आशीष जी जवाब दीजिए। मैं इनको जानकारी देना चाहता हूँ, रायबेली में एक एम्स लगा, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमीन दी थी, ठीक है, और उसके बाद 600 का बेड था वहाँ पे, बेड जब इनकी सरकार जो 300 बेड के कर दिया गया, ये कहाँ की बात हुई? जब 600 बेड का था 300 बेड कर दिया गया, और ये सरकार एम्स की जमीन किसने दी? उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी। आगरा स्पेशल किसने बनवाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। 1090 किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने दिया। उत्तर प्रदेश के सरकार में बैठे मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया बनकर बैठे तो विकास नहीं करते क्या? आप विकास करते हैं। सरकार ने कोई नई योजना लाई हो, एक योजना बताएं, केवल उत्तर प्रदेश के जो विकास है, जो उत्तर प्रदेश के रोड है, जो उत्तर प्रदेश की योजना है, उनका नाम बदलने का काम सरकार आपकी कर रही है। पर आशीष जी, जिन योजनाओं को आप अपना बता रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी जब अखिलेश कार्यकाल था तभी वो योजनाओं पर काम तेजी से क्यों नहीं किया गया? अभी जब एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ तो आपने कहा अखिलेश सरकार में इसकी नींव रखी गई थी, तो कार्य काम क्यों नहीं हुआ उस पर? डायल हंड्रेड आया तो माननीय अखिलेश यादव की सरकार में, अगर उत्तर प्रदेश में अगर स्टेडियम बहुत बड़ा कौन है स्टेडियम बनाया तो आशीष जी जो सवाल पूछे उसका जवाब दो ना। अगर जो नहीं बना उस पर बताएंगे आशीष जी, उस पर कुछ सफाई देंगे? काम हुए आपको जानकारी, ये रोड पे जनता भी देख रही समझ रही है। गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला जो था वो भी अखिलेश सरकार में आया था। पल्लवी जी इनसे पूछिएगा, पहले हंड्रेड डायल नहीं था क्या? पहले हंड्रेड डायल नहीं था क्या? पहले उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस नहीं थी क्या? पहले क्या हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल नहीं थे? आप तो ये बताइए कि हंड्रेड डायल में क्या देखी तरह आपने, आपने जिला अस्पतालों में क्या विकास किया? एम्बुलेंस जो थी, बात मत घुमाइए आशीष जी, जो आपसे कहा गया उसका बताइए कि जिस तरीके से आप क्रेडिट लेने बैठे हैं तो काम अखिलेश सरकार के राज में क्यों नहीं किए गए? पल्लवी जी ये अभी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम लेते हैं। प्रदीप जी लौटेंगे, आशीष जी पहले आपने सवाल सुना, आशीष जी आपने सवाल सुना जी, पहले उस पर जवाब दीजिए। जो गोमती रिवर घोटाला है वो भी अखिलेश राज में हुआ था, उस पर क्यों बात नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे आधा अधूरा रह गया तब नहीं आप बोलने आए, लेकिन अब उद्घाटन किया जा रहा है तो आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रहा हो, जमीन किसने? टाटा सफारी कार की गिरी हुई तस्वीरें उसी एक्सप्रेस वे पर देखी गई हैं। अखिलेश यादव जी ने किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया, शिलान्यास अखिलेश यादव जी ने किया, उन्होंने क्या किया वो मैं मान गई, लेकिन जो नहीं हो पाया उसकी बात बताइए आप मुझे। महिंद्रा कार पलट गई, वो तस्वीरें एक्सप्रेस वे की थी ना, आधा अधूरा काम। कब्रिस्तान की दीवार किसने बनवाई आशीष जी? कब्रिस्तान की दीवार किसने बनवाई है? अगर बाउंड्री बनवा देगी तो ये क्या हो गया? कब्रिस्तान की दीवार किसने बाउंड्री बनवाई, इसका नाम बताइए। झगड़े विवाद खत्म होते, आपको जानकारी? मैं कहता रहूं कब्रिस्तान की दीवार किसने बनवाई, उसका नाम बता दीजिए। सफाई में डांस किसने कराया, उसका नाम बता दीजिए। आज सफाई सबसे लखनऊ से भी खूबसूरत क्यों है?
वहीं पे बड़े से बड़ा जहाज उतर सकता है, वहीं एयरपोर्ट क्यों बना, बाकी प्रदेशों में एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? अगर मुजफ्फरनगर में दंगा आपके टाइम में हुआ तो आपने उसे विकसित दोबारा क्यों नहीं किया, प्लान क्यों नहीं रोका? उत्तर प्रदेश के अंदर आपने उत्तर प्रदेश में 100 डायल दिया, नगर आपने 100 डायल कितना रुपया दिया? उत्तर प्रदेश में एक भी योगी जी ने पावर हाउस लगाया हो तो बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी यूनिट बिजली का उत्पाद बढ़ाया तो आप बता दीजिए। अच्छा चलिए आशीष जी शांत हो जाइए, प्रदीप जी जवाब दे रहे हैं, आपने पूछा वो जवाब दे रहे हैं जी। पल्लवी जी इनसे पूछे, आज प्रदेश के अंदर गांव में भी आज पूरे दिन लाइट रहती है, कहीं 2 घंटे 4 घंटे कटे, क्या बता पूछ पाएंगे इनसे कि ये बताएंगे कि वो जो बिजली आ रही कहाँ से आ रही है? आज आपने सोलर पे क्यों नहीं काम किया, सौर ऊर्जा पे क्यों नहीं काम किया? आज प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा पे इतना काम किया, एलईडी पे इतना काम किया कि आज हमारे गांव में भी हमारी बहन बेटियां गर्मी में पंखे में बैठ पाती हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे उत्तर प्रदेश का किसान दिन में पानी लगाता है खेतों के अंदर, रात को जाना नहीं पड़ता उसको, कोई जानवर काट ले या सांप काट ले उसको लेके, ये इससे नहीं बताएंगे। इनके राज में जिस बिजली के तारों पे कपड़े सूखते थे आज वहाँ 24 घंटे बिजली होती है, उस पर नहीं बोलेंगे ये। चलिए प्रदीप जी मुद्दे पर रहते हैं, उपलब्धियां गिनाने के लिए नेता हैं, वो लोग भाषण देते ही रहते हैं। प्रदीप जी खत्म कर रहा हूँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ पल्लवी जी, आप जिन उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं बहुत बढ़िया व्याख्या कर रहे हैं, मगर आप उन उपलब्धियों के बारे में ये भी बताते कि हमने कहाँ तक पूरा किया। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया 20 दिन पहले चुनाव से पहले, आपने रिबन काटा, आप बिल्कुल बता रहे हैं आप हर चीज उपलब्ध है, प्राची कोरिडोर इन्होंने बनाया, गंगा जी नहीं आ रही थी उत्तराखंड से, इन्होंने गंगा जी का चालू कर दिया, आना गंगा जी को बोल के आया जाके भैया पानी दे दो उत्तर प्रदेश में, बोल के आए गंगा जी को, गंगा भैया ने पानी चालू कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कोविड को ही बोल के आए कि भैया कोविड तुम यूपी से चले जाओ, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है चली गई, कोविड चला गया उत्तर प्रदेश से, इनके कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। अच्छा आप बता प्रदीप जी, आशीष जी एक सेकंड, प्रदीप जी आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके से आपकी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कार्रवाई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ये चुनावी दौर में ही क्यों इतनी एक्टिव होती है, इतनी सक्रिय जो है ये कार्रवाइयां, ताबड़तोड़ छापेमारियां उसी वक्त क्यों होती है? बंगाल में जब चुनाव था उसी दौरान छापेमारी हुई, इससे पहले सो रहे होते हैं क्या अधिकारी? कौन सा चुनाव चल रहा है आशीष जी, आपको भी मौका मिलेगा आशीष जी शांत हो जाइए। पल्लवी जी कौन से चुनाव की घोषणा हो गई है अभी, कौन सी आचार संहिता लग गई है, अब कौन सा चुनाव की अभी जो शुरुआत हो गई है, जो चुनाव के टाइम में जो कह रहे हैं आप, छापा मार दिया, अरे भाई चुनाव टाइमिंग ही ऐसी है, सवाल तो उठेंगे ही। देखिए टाइम नहीं, देखिए डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, ये थोड़ा ना आदमी रोटी खाना छोड़ दे, रोटी आदमी रोज खाता है, अब जो सरकारी मुलाजिम जो रोज ऑफिस जाते हैं सब कार्यों में लगे होते हैं वो अपना काम करते हैं, ये तो आचार संहिता लग गई उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। वही तो मेरा सवाल है प्रदीप जी कि इनका जो ये काम सामने आ रहा है, जो कार्रवाई सामने आ रही है, चुनाव से ठीक 1-2 महीना पहले क्यों आती है? बंगाल में भी चुनाव हुए उसी दौरान छापेमारियां हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर भी हुई और यहाँ पर भी हुई, टीएमसी कार्यकर्ताओं के यहाँ भी हुई। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, देखिए संपत्ति को लेकर गांधी परिवार पूरा का पूरा कोर्ट में जाता है और हाजिर जमानत पे है। पहली चीज अगर ममता जी की बात करें, उनके भतीजे की बात करें, उनपे भी ईडी का पूरा चल रहा है, वो भी कोर्ट जाती है, सीबीआई बैठ के 7-6 घंटे पूछती है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। इसी प्रकार जैसे आप अभी रिवर है की बात कर रहे थे, कानपुर के रेलवे स्टेशन पे एक बच्ची ने पूछा आदरणीय मुलायम अखिलेश यादव जी से, सूबे के जो मुख्यमंत्री रहे, कि आपने 45 करोड़ का फुहारा बनवा मंगवाया था जो स्टेशन पे चढ़ रहा है, वो आपने क्यों नहीं लगवाया? तो उसे बड़े बोले समाजवादी पार्टी वाले लोग ऐसी काम करते हैं, जिन्होंने वो कहती है कि इसमें पता है जब फुहारा चलता था उसका साल जो महीने का 2 करोड़ रुपया था, तो अखिलेश जी ने उसे बात घुमा दी बिल्कुल भी। आप लोगों ने जितना उत्तर प्रदेश का नुकसान किया है राजस्व का, उतना किसी ने नहीं करा। अगर अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश का जो राजस्व काम करती तो आज उत्तर प्रदेश जो है सोने की चिड़िया होता, जो दूसरी सरकार आती उसकी उपलब्धियों को आगे बढ़ाती। मैं तो कहता हूँ जी आपने पूर्वांचल का, बिल्कुल मैं कहता हूँ आपने पूर्वांचल का, आपने नींव रखी क्या सरकार ने देश में उसको योजनाओं को? आशीष जी बात पूरी करने दीजिए, आप ही की बात आ रही हूँ मैं अभी, आशीष जी बात पूरी करने दीजिए, आशीष जी की बात पूरी कर रहा हूँ। पल्लवी जी मैं कहता हूँ, मैं इनकी उपलब्धि बड़ी करता हूँ, क्या आपने काशी कॉरिडोर का शिलान्यास किया? जो दूसरी सरकार आई उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, क्या गलत काम किया? मैं आपकी बात बड़ी, प्रदीप जी हमने सवाल घुमा दिया, बात मेरी सिर्फ इतनी सी थी कि आईटी विभाग इससे पहले क्यों नहीं जगा, इलेक्शन के दौरान ही क्यों जगता है? आशीष जी की बात जाएंगे अब, आशीष जी बताइए, कोई टाइम नहीं है,
नशा कराकर क्या वोट लेना चाहते हो, क्या आपकी सोच है? आशीष जी आप इस तरह से बोल रहे हैं, जनता कुछ समझ नहीं पाएगी आप क्या कह रहे हैं। अपनी बारी आने का इंतजार करें फिर बोलें सर। अब बताइए क्या कह रहे थे। चाहता हूं, अभी किसी बंदरगाह में सुने हैं 2000 करोड़ के आसपास ड्रग्स पकड़ा गया, उस ड्रग्स में क्या जांच चल रही, कौन जांच एजेंसी कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ चले गए, ये कहाँ से बंद हो गया? 3000 2000 3000। हाँ तो 3000 है तो कहाँ चली गई? मैंने कुछ बताया नहीं, किसका था आखिर वो डस्ट, कौन लाया था, किसके लिए लाया था, किसको पहुंचाना था, किसको उसका कमीशन बंटना था? अखिलेश जी का नाम आ रहा है पता है आपको? अखिलेश जी का जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी से। जी प्रदीप जी बताइए। देखिए ये एक सोच है, एक इनकी मेंटेलिटी है कि ये जो सरकार काम करती है, सरकार के जो जो प्रशासन काम करता है उससे बड़ी उंगलियां उठाते हैं ये लोग। तो मांगते हैं जो बॉर्डर पे फौजी है उनका ग्रेवन खींचना, और ये तो उनकी उपलब्धियों को भी बेचारे गुंडा और क्या क्या बोलते हैं इनसे ही उम्मीद कर सकते हैं। अगर एक बात कह रहे हैं दस पकड़ा गया जो 2000 करोड़ के लिए 2900 करोड़ की कंपनी की थी, आपके प्रशासन के लोग जागरूक थे तो वो पकड़े गए, अगर वो देश के अंदर उतर जाते तो कितने बच्चे हमारे तबाह होते। आपको तो वो धन्यवाद देना चाहिए उनका अधिकारियों का जिन्होंने जब तो जांच एजेंसियों का जिन्होंने पकड़ा, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने काबिलियत से उन्होंने पूरी बकायदा ईमानदारी से उन्होंने पकड़ा, लेकिन आखिर हुआ क्या, उनमें कौन जेल गया, किसका था, किसने मंगाई, इसमें कुछ नहीं समझ में आया, कहाँ चला गया, क्यों कहाँ गोलमोल हो गया। आप ये बताएंगे मुझे कि आपने जो मैटर बता रहे हो 2000-3000 करोड़ ड्रग्स का, आपने इस केस को कितना फॉलो किया, आप कभी ड्रग्स कंट्रोल गई ऑफिस गए पूछा आपने जाके क्या? आशीष जी पूछने जा, आपने इसके आप सुनिए पूछने का प्रयास नहीं, आप जी हम अभी पूछे ले रहे हैं, आप पूछे ले रहे हैं इस चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं, मुझे आप बता दीजिए, आप बहस मत कीजिए डिबेट कीजिए, आप बहस कर रहे हैं मैं डिबेट कर रहा हूँ आप बहस कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि मैंने 3000 करोड़ की ड्रग्स के बारे में, मैंने पूछा क्या आपने जाके अधिकारी से पूछा कि भाई आपने जो ड्रग्स पकड़ी है क्या किया, कौन कौन लोग थे? आपको सरकार बनाना चाहते हैं, जनता के आप नुमाइंदे बनना चाहते हैं, तो ये भी तो आपका अधिकार बनता है पूछने का कि आप जाके पूछे 10 डिपार्टमेंट से कि भाई आपने जो ड्रग्स पकड़ी उसका क्या किया आपने, तो किसकी थी, क्या पूछा आपने? मैंने अभी आपको 45 करोड़ अगर आपको मैं पूछ अगर मैं कह दूंगा मैंने पूछा तो आप कहेंगे झूठ बोल रहे हो, तो अभी मैं आपके माध्यम से पूछ ले रहा हूँ, आप बता दीजिए भाजपा के प्रवक्ता है, आपकी सरकार है, आप बता दीजिए। अरे भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप, मुझसे मत पूछिए, अरे आप भाई सरकार में हैं आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं सुनिए आशीष जी आप भी जनता के नुमाइंदे हैं, आपको भी मेरी तरह बैठ के टीवी पर डिबेट में जवाब देना है हर बात का अपनी सरकार की तरफ से, आपको अपने पार्टी की तरफ से, तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज पे निगाह देना, क्योंकि देश के हित की बात है ये। आप मेरे बारे में मत जाइए, आप मेरे बारे में जो जानकारी नॉलेज है वो ठीक है, मगर ये आपको भी देना पड़ेगा चीज के बारे में, आपको वोट तो चाहिए मगर आपको जनता की परवाह नहीं, पहली चीज देखिए आपको उत्तर प्रदेश और आरोप सामने आ रहा है प्रियंका गांधी की तरफ से भी जासूसी का आरोप जो सरकार पर लगाया गया। देखिए प्रियंका जी बौखलाई भी हैं, उनपे कोई तथ्य नहीं है, मतलब कोई सवाल करे तो बौखला जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन पर तथ्य है तो उन्हें FIR लिखवानी चाहिए, जिस दिन प्रियंका जी FIR लिखवा देंगी तो ये सच होगा कि फोन टेपिंग हो रहा है। आप जनता क्या है कैमरे के आगे बोल के एलिगेशन लगा दे कि आपका फोन टेपिंग हो रहा है, उसके तथ्य भी आपको रखने चाहिए। ऐसे ही प्रियंका जिस पे आज राहुल गांधी जी ने 2019 में भी एलिगेशन लगाया था फिर चुप बैठ गए, फिर 2020 में शुरुआत करी, किसने शुरुआत करी, हम कहते हैं आप इसके FIR क्यों नहीं लिखवाते, जांच के दायरे में आए। चलिए ये चीजें सब बनगढ़ंत है, आप क्या कहेंगे सर, फोन टैपिंग का भी एक आरोप लग गया है, क्या उसके लिए भी नए पोस्टर देखने को मिलेंगे? ये सच्चाई सरकार विपक्ष के नेताओं की बात सुनना चाहती है, उनके बात सुनना चाहती, किसी तरीके से बहुत ज्यादा परेशान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है कि किसी तरीके पुनः सरकार में फिर वापस आने, लेकिन ये जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है
बेवकूफ सरकार है, फर्जी झूठ बोल के सरकार है, इसको जनता पुनः दोबारा आने नहीं देगी। ईमानदार विकास और अपने लोगों के बीच में सम्मान चाहती, ऐसी सरकार वो चाहती है। वो ऐसी सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं, उनको पता है 12 से 17 अखिलेश यादव जी की सरकार देखी। चलिए, अगर सपा की सरकार आप मानते हैं कि ईमानदारी के साथ वापस आएगी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कार्रवाई हो रही है उसे हो लेने दीजिए। जनता का समर्थन ही मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। तो राजीव राय के पास से भी 15 घंटे में कुछ नहीं मिला ना, 17,000 रुपए मिले आयकर विभाग को। बिल्कुल, हमारे कहने ना कहने से वो रोक देंगे, हमारी बात है नहीं रखना। हर इंसान का मान सम्मान होगा, किसी के घर पे अगर आप छापे तो सम्मान कीजिए। आयकर विभाग एक प्रतिष्ठित विभाग है, कार्रवाई अगर उसकी हो रही है तो उसका सम्मान करना चाहिए ना, ना कि पोस्टर लगाकर बच्चे उड़ाए जाने चाहिए। बिल्कुल, मैं जाने दें तो सपोर्ट करूंगा, फिर और 2-4 छापे और बढ़ा लीजिए, अगर आप बढ़ा पाए और बढ़ा लीजिए, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, समय की कमी है, आप दोनों से ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम चर्चा पर। तो जनता को बताना चाहेंगे कि यूपी में इस वक्त सियासी पारा जोरों पर है, और इसके साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। हालांकि फोन चैपिंग के आरोप में कितनी सच्चाई है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस का समर्थन अखिलेश के साथ जो है देखने को मिल रहा है, और अब आगे और क्या का होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज़।